سبحان الله سبحان وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفروا صدق الله مولانا المتين وصدق رسوله النبي الكريم ونفعنا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا فيكم القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم फिराक़े नबी में जो आँख से निकले खुदा ही जाने
उन अशकों का मर्तबा क्या है, उन अशकों का मर्तबा क्या है, मर्तबा क्या है, करम करम करीमी ही शान है तेरी, करम करम की करीमी ही शान है तेरी, तेरी यता के मुकाबिल मेरी खता क्या है, तेरी यता के मुकाबिल क्या है, तेरी यता के मुकाबिल मेरी खता क्या है, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है, फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर, फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर, हमारे पास गुनाहों के माँ सेवा क्या है, हमारे पास गुनाहों के माँ सेवा क्या है, खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुकद्दस पर, खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुकद्दस पर, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है, अगर खामोश हूँ मैं तो तुम भी सब कुछ है, तो कुछ कहा तेरा किस्मत हो गया महदूद, बारगाह रिसालत वाले रिसालत में जरूर शरीफ दर्ज कराए, शाकिर रहो काफिर ना हो, शुक्र के मुकाबले में कुफ्र का लफ्ज आया तो कुफ्र के माना मुकय्यद करने से पहले शुक्र का माना मुकय्यद करना जरूरी, एक तो कुफ्र वो है जो ईमान के मुकाबले में बोलते, ये काफिर है मोमिन नहीं, मोमिन है काफिर नहीं, ईमान के मुकाबले में, और एक कुफ्र वो है जो शुक्र के मुकाबले में बोलते। तो पहले मैं शुक्र की तारीफ करूं, मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत कहीं सामने कोई बड़ी भी नहीं जिसमें मेरी नजर लिहाजा आप जरा सा कुछ पहले हमको इशारा कर देंगे, मगरिब का वक्त बहुत ही सलीस, मतलब बताऊं नेमत के बदले किसी की तारीफ करना, ताजीम करना या खिदमत करना, इसका नाम शुक्र। हर तारीफ शुक्र नहीं, वो तारीफ जो नेमत के बदले, चाहे वो हाथ से करें, जुबान से करें, इशारों से करें, आजा व जवारे से करें, मगर नेमत के बदले किसी की तारीफ करना या उसकी खिदमत करना या उसकी ताजीम करना, ये शुक्र। अब उसके मुकाबले जो कुफ्र होगा उसी मुनासिबत से वश्कुरूली, तुम मेरी तारीफ करो। अब कुफ्र का मतलब यह है कि तारीफ से इराज न करो, तारीफ करने से इनकार न करो, तारीफ करना अगर शुभ तो तारीफ से इनकार करो, तारीफ से इराज और पहलू तभी जो है वो कुफ्र हो। और वश्कुरूली, तुम मेरी खिदमत करो। तो अब कुफ्र के माना यह है कि खिदमत से बाज ना आओ,
अब खिदमत नहीं की तो कुछ, खिदमत की तो ये शुक्र। अब शुक्र के बाद अब तुम मेरी तासीम करो, तो अब कुफ कमाना ये है कि तासीम से इनकार किया तो कुफ, तासीम नहीं की तो कुफ, तासीम किया तो शुक्र। आप सोच भी पड़ गए होंगे खुदा की खिदमत, खुदा की तासीम के उससे तो आप ही चौंकेंगे, चौंकेंगे उसमें जब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। पहले आप समझते कि तासीम करने के लिए जो हमारे यहां मालूम मुतारक तरीके हैं, हम किसकी तासीम करते हैं? एक है इबादत, एक है ताजीम, दोनों सबको सामने रखे। ताजीम के लिए हमारा मारूफ तरीका क्या है और इबादत के लिए हम क्या करते हैं, दोनों चीजें सामने। तो एक है ताजीम, एक है इबादत। वक्त की हकीकत के लिहाज से कहीं तफसील में नहीं कहूंगा, पर इतना समझ लो हर इबादत ताजीम, मगर हर ताजीम इबादत है। गलती यही होती है लोगों ने ताजीम के बारे में, हर इबादत ताजीम, कोई इबादत ताजीम से खाली हो ही नहीं सकती, मगर हर ताजीम इबादत नहीं होती। हर इंसान हैवान है, मगर हर हैवान इंसान नहीं। अब उसके बाद आप देखें आप कि ताजीम हम किस चीज करते हैं, ताजीम उसकी करते हैं जो कम से कम हमारी नजर के सामने हो, और नहीं तो कम से कम हमारे इल्म के दायरे में, जहां तक हमारे हवास ना पहुंचे, जिसका हम इतराक ही ना कर सकते, जिसे हम देखें कोई आता है जब आप खड़े होते हैं, या किसी का तस्वुर कर लेते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो चाहे आपको उसकी आमद खड़ा करो या उसका ख्याल खड़ा करो, मगर ख्याल को उस तक पहुंचना है, इदराक को उस तक पहुंचना है, तो बड़ी मुश्किल की बात यह है कि यह तो बात हो सकती है कि हमारा ख्याल मदीने तक पहुंच जाए, मगर यह कैसे हो जाए कि हमारा इदराक खुदा तक पहुंच जाए? इसलिए कि वो हैते इदराक से बाहर, तो जो जात ना हमें नजर आ सके, ना हमारी समझ में आ सके, न हमारा एहसास इदराक वहां तक पहुंच सके। इबादत के लिए लाजिम नहीं है कि माबूद को समझो, अल्लाह इबादत के लिए माबूद का समझना जरूरी नहीं है, मगर तासीम के लिए मुअज्जिन का समझना जरूरी है। तुम्हारा इदराक वहां पहुंचे या न पहुंचे, माबूद जो है माबूद है, मगर मुअज्जिन के लिए जरूरी है या नजर पहुंचे या इदराक पहुंचे। जहां न नजर पहुंच सके, इदराक न पहुंच सके, तो अब हम उसकी ताजीम कैसे करेंगे? खुदा कहता है मेरी ताजीम करो। अब खुदा ही से पूछो, या खुदा न तुझ तक मेरा इल्म पहुंचे, न इदराक पहुंचे, न एहसास पहुंचे, न नजर पहुंचे, हम क्या ताजीम करेंगे? तो जवाब मिलेगा, अरे तू जानता नहीं है कि मेरी ताजीम का माना क्या है। वो मैं युअज्जिम शायअल्लाह फइल्ला मिन तक्वल कुलूब, कुछ बंदे हैं इनकी ताजीम ही बिंदा अजमत पैदा होती है निस्बत से, पैदा होती है। देखिए बात अल्फाज हैं जो बोले जाते हैं समझे कम जाते, बोले ज्यादा जाते थोड़ा थोड़ा फर्क नहीं, इसलिए मुश्किल से समझ में आते। एक है फजीलत, एक है अजमत, एक है शराफत, एक है करामत, होते मिलते जुलते अल्फाज हैं। फजीलत, अजमत, शराफत, करामत, तो फजीलत हासिल होती है इल्म अमल से। इसीलिए आप मदरसों में देखते होंगे जब जलसा होता है जलसा दस्तारे फसल, ये नहीं कहते जलसा दस्तारे शराफत, वहां शराफत की कमी नहीं होती।
चूंकि आपने इल्म अमल से आस्ता किया है तो फजीलत की सनद देते हैं। जलसे दस्तारे फजीलत की भी नहीं कहता कोई, जलसे दस्तारे करामत, जलसे दस्तारे अजमत नहीं, क्योंकि इल्म अमल से फजीलत मिलती है। और नसब से शराफत मिलती है। अल्लाह, इसीलिए कहीं बड़े शराफत नसबी या शराफ अशराफ, शराफत जिनका ताल्लुक नसब जिनका ऊंचा होता है उनको अशराफ कहा जाता है, तो नसब से शराफत मिलती और हुक्म इलाही से करामत मिलती। कोई हुक्म से बाकरामत नहीं होता, जिस पर खुदा का फजल हो जाए वो करामत रहा होता। और निस्बत से अजमत मिलती, अजीम से मंसूब हो गया वो अजमत वाला। अगर बिल वास्ता निस्बत है तो बिल वास्ता अजमत होगी, बिला वास्ता निस्बत है तो बिला वास्ता तो जो अजमत वाला है उससे जो मंसूब हो जाए अब उसकी ताजीम उसी की ताजीम, अब उसकी ताजीम उसी की ताजीम। अजमत वाले की ताजीम में कभी कोई इख्तलाफ नहीं था, कभी नहीं। यानी आप भी सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये तो इस बात से शैतान को भी इख्तलाफ नहीं था कि अजमत वाले की ताजीम होनी चाहिए, इसे इख्तलाफ नहीं। इसीलिए जब हजरत आदम के सजदे का उसने इनकार किया, वाकया निगाह मकसूद ने इशारा कर दिया, तो उससे पूछा गया कि क्यों इनकार किया, मैंने हुक्म दिया तूने इनकार क्यों किया, तो उसने जो बात की अना खैरुन मिन, मैं उससे बेहतर हूं, मैं आतिशी को खाती मैं बेहतर हूं, क्या समझे खुदा के सिवा अगर कोई अजमत वाला हो या कोई भी अजमत वाला हो उसकी ताजी कब मुमकिन नहीं, उसको यह मसला समझ में नहीं आया। असल इनकार की वजह हजरत आदम को उसने मुअज्जम समझा ही अजमत वाला समझा जाए, तभी कहा ना फिर मैं उनसे बेहतर हूं, मतलब जिसकी तहजीब के लिए मुझे छुपा रहा वो अजमत वाले नहीं उनसे बेहतर तो मैं हूं, तो मुनासिब ये था कि वही मेरे आगे झुकते। तो इस बात से जाहिर हुआ कि वो भी जानता था कि जिसको हम अजमत वाला मानेंगे उसकी तहजीब करना लाजिम, ये बात उसके नुकते हैं, या और बात उसने अजमत वाला नहीं माना ये उसकी गलत चीज, नहीं माना इसलिए इनकार किया था, अजमत वाला नहीं माना, अगर वो अजमत वाला मान लेता तो इनकार कभी नहीं करता, इसलिए कि अजमत वाले की तासीम ये बदी ही चीज, मगर उसने माने ही नहीं अजमत वाले इसलिए इनकार किया ना। मुझे ताज्जुब उन लोगों पर होता है जो अजमत वाला मान के ताज्जुब से इनकार करता, अरे उसने कलमा नहीं पढ़ा फिर इनकार किया, ये कलमा पढ़ के कैसे इनकार हो रहा है। तो जो खुदा से मंसूब हो जाए उसकी ताजीम भी खुदा की ताजीम, अब समझ में बात आ गई, जिसको निस्बत हो जाए यहीं से खिदमत वाला मसला भी हल हो गया कि कुछ ऐसे नेक बंदे हैं कि उनकी खिदमत उनकी नुसरत यही खुदा की नुसरत है, इन तंसरुकुम तुम खुदा की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, तो खुदा अपने रसूल की मदद को अपनी मदद बता रहा, अपने दीन की मदद को अपनी मदद बता रहा, ये वो है जिनकी खिदमत करोगे ये खुदा की खिदमत होगी। अब जब इस थोड़ी सी तफसील के बाद आ जाइए अपने मंजिल पर, वश्कुरूली मेरी तारीफ करो, इन तारीफ से इनकार ना करो,
तारीफ की तो शाकिर, तारीफ नहीं की तो काफिर। वश्कुरूली, तुम मेरी खिदमत करो, मेरी नुसरत करो। तो अब अल्लाह के रसूल और खासान खुदा की खिदमत और नुसरत और दीन इस्लाम की खिदमत और नुसरत, ये है खुदा की खिदमत और नुसरत। अगर किया तो शाकिर, ना किया तो काफिर। वश्कुरूली, तुम मेरी ताजीम करो तो शायरुल्लाह की ताजीम, ये खुदा की ताजीम। अगर खुदा के मंसूबात कि तुमने ताजीम की तो शाकिर, और ताजीम नहीं की तो काफिर। तुम मेरा शुक्र, मेरे शुक्र गुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों का इनकार ना करो। बड़ी मुश्किल बात यह है कि शुक्र नेमत की इवज में है ना, तो जब तक नेमत की मार्फत ना हो शुक्र कहे। ये महफिलें जो की जाती हैं खुदा की नेमतों की पहचान करा जाए, नाम कुछ भी हो, चाहे ग्यारहवीं नाम रखो, चाहे बारहवीं, चाहे छठी नाम रखो, चाहे सत्रहवीं, खुदा की कुछ नेमतें हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, और इन नेमतों का जिक्र करना इरशाद इलाही है। इनसे गाफिल होना ये ना शुक्रिय, इनको याद रखना यही शुक्र है। तो मेरी नेमतों, आप बताइए क्या आप खुदा की नेमतों को शुमार कर सकते हैं? है तो शुक्र कैसे अदा करें? कम से कम एक नेमत के बदले एक तो शुक्र अदा कर दो। और जब इस पहलू पर आप आए तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि हर नफ्से की फरों वीरवर मुमित हयात चू बरमी आय मुफर हजार, हर सांस जो आप लेते हैं वो भी नेमत, जो निकालते हैं वो भी नेमत। अंदर वाली सांस बाहर ना आए तो मौत, बाहर वाली अंदर ना जाए तो मौत। तो हर सांस जब नेमत, तो अगर कम से कम एक सांस पर एक ही शुक्र, तो एक सांस पे दो शुक्र वाजिब हुए, कोई अपनी सांसों का शुक्र अदा कर सकता? शुमार कर सकते हो अपनी सांसों को? नहीं कर सकते। और कोई जिद में आ जाएगी, नहीं हम तो शुमार करके बैठेंगे, ले लिया हजारा तस्वीर, तो मैं कहूंगा भी तू हजारा तस्वीर लेके बैठ भी क्या करेगा, जब जाग रहा उसी पर तू शुमार करेगा, और जब सो रहा तो हमारे सांसों में कौन कौन करेगा, वो कौन है जो पकड़ेगा? तो सांसों का शुक्र अदा करना भी दूसरी बातों को हम क्या बताएं? इंसाफ से बताओ, मैं बड़ी तेजी के साथ ले जाना चाहता हूं। बताओ, रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को अपनी मर्जी से पैदा किया, किसी से मशवरा नहीं, अपनी ताकत अपनी कुदरत अपने अख्तियार अपने इंतजाम। तो वो हमको कुछ भी बना सकता, जंगल का जानवर बना देता, दरख्त का पत्ता बना देता, दरिया का कतरा बना देता, अगर कुर्बान जाओ उसके हिसाब। तो उसने हमें इंसान और इंसान बना लकद करमना बनी आदम की मस्तक कर दिया, इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा का ताज पहना, लकद खलकना इंसान फी अहसन तकवीम का जामे में मलबूस कर दिया। एहसान पर एहसान, ये आखिरी मखलूक है इंसान, इसके बाद कोई नई नौ मखलूकात की नहीं पैदा की। इंसान और आगे बढ़ोगे, इंसान की तो कई तरीके की है ना, कई तरीके की, काफिर भी हैं, मोमिन भी हैं, मुखलिस भी हैं, मुनाफिक भी हैं, मुल्हिद भी हैं, मुकद्दिर भी हैं, हर तरीके के साथ। लेकिन ये दूसरा उसका अजीम इंसान, उसने हमें मोमिन बनाया, ये भी अपनी मर्जी से, उसका फर्ज नहीं, इसमें हमारी क्या कोशिश। अब ये एहसान करने वाला, एहसान बेहसान किए जा रहा, अपनी मर्जी अपने कर्ज, भाई मोमिन होने का यहां तक सवाल है, किसी भी नबी के मानने वाले थे वो सब मोमिन ही, तो उसे हमें मोमिन बनाना था तो वो किसी नबी के जमाने में पैदा कर देता, उन पर ईमान वाला बना देता, हम मोमिन ही होते।
चाहे वो त्याग का जमाना होगा चाहे जुनून का जमाना होगा, मगर ये उसका कर्म कितना, उसने अपने महबूब का मानने वाला खैरुल सबसे अच्छी किताब दी, सबसे अच्छा दीन दिया, सबसे अच्छा नबी, खैर को ऐसा वावस्ता कर दिया कि शर करीब भी ना आए। देखा आपने, ये भी उसको बड़ा एहसान, और कहीं आप ये नहीं सोचने लगे कि एक एहसान और हो जाता तो बड़ा अच्छा, जैसे एहसान पर एहसान होता कि हमको वो जमाना मिल जाता जब हमने सब की आंखों से नबी की ज्यारत। वाकई इन जज्बात की मैं मदद करता हूँ, मगर फिर भी मैं आपसे कहता हूँ इसकी फिक्र मत करो कि जमाना कौन सा, और उस जमाने की तमन्ना ना करो, इसलिए कि उस जमाने में अगर दुरूद पढ़ने वाले थे तो गाली देने वाले भी थे, अगर गर्दन कटाने वाले थे तो रावे कांटे बिछाने वाले भी थे, अगर रसूल पर जान कुर्बान करने वाले थे तो पत्थर बरसाने वाले भी, पता नहीं उस जमाने में तुम होते तो क्या क्या, उस जमाने में तुम क्या होते, बस यही शुक्र अदा करो कि किसी भी जमाने में है गुलाम नहीं, गुलाम नहीं, उस जमाने की तमन्ना मत करो, बस इस गुलामी पे नाश करो, इस गुलामी पे नाश करो, उसने अपने कर्म से उन्हीं को गुलाम बनाया। और एक बात और आपके ईमान को ताजा करने के लिए कह दूं, एक बात तो आप फख्र मुबाहा से जुबान को थाम कर अदब के लफ्जों का लिहाज रखते हुए सहाबा की बारगाह में कह सकते, मौका मिल गया आपको कहने का, सहाबा की बारगाह में अदब और एहतराम का लिहाज रखते हुए हम कह सकते हैं कि हुजूर आपके मुकाम मर्तबे तक पहुंचना ये हमारी ताकत से बाहर, कोई हमारा गौस और ख्वाजा भी आपके कदमों से लगी हुई धूल के बराबर नहीं हो सकता। तो आपका वो मुकाम है अस्मत अपनी जगह पर, अगर एक बात कहने की हमें भी इजाजत आपको देनी होगी, एक बात कहने की इजाजत देनी होगी, आप भी मान लाए ये भी खुदा का फजल है, हम भी ईमान लाए ये भी खुदा का फजल है, मगर आपने रसूल को देखा, रसूल का चलना फिरना देखा, उठना बैठना देखा, सोना जागना देखा, जमाल और कमाल देखा, जूद और नवाल देखा, चाहो जलाल देखा, सूरज को पलटते देखा, चांद को टुकड़े होते देखा, कंकड़ियों को कलमा पढ़ते देखा, दरख्तों को झुकते देखा, जानवरों को इताअत करते हुए देखा, सर सर रसूल के कमाल और जलाल, सीरत और किरदार, सीरत और सूरत सब कुछ देखा, करीब आ लाए हमने कुछ भी नहीं देखा। हमने कुछ भी नहीं देखा ये मान ला तो खुदा का फजल आपको भी है, हम पर भी है, मगर ये फजल कुछ निराला ही है, हम पर बगैर देखे मलवा दिया, हम ही तो हम यू मिल ना मिल गए, कयामत और जन्नत ही को बगैर देखे नहीं मान रहे, उस जमाने को भी जानते हो देख के मानने वालों का हश, मैं तो जहन्नम को जानता हूं, क्या कहते लोग कहते जहन्नम में सब काफिर जाएंगे, जिस हैसियत से आप कहते सही है, मगर मैं एक दूसरी हिस्से कहता हूं जहन्नम में सब मोमिन जाएंगे, एक भी काफिर जहन्नम में नहीं होगा, इसीलिए मैं जहन्नम को दारुल मुसज्जतीन कहता हूं, सब तस्दीक करने वाले होंगे, एक भी मुनकिर जहन्नम में नहीं जाएगा, खुदा को ये पसंद ही नहीं है कि इनकार लेके जहन्नम में जाए, एक भी मुनकिर नहीं जाएगा, सब के सब जहन्नम में मानने वाले ही जाएंगे, मगर वो वहां के मानने वाले, यहां के नहीं, मानना था तो वहीं से मान के आता, मानना था तो वहीं से मान के आता, अब यहां तो मानना ही पड़ेगा, ये तो मनवाने वाली कॉन्फ्रेंस ही है, ये कॉन्फ्रेंस जो कयामत वाली है ये मनवा
कब्र का अजाब देखेगा नहीं मानेगा, फरिश्तों को देखेगा नहीं मानेगा, सरात को देखेगा नहीं मानेगा, मीजान की मंजिलों से गुजरेगा नहीं मानेगा, हश्र में नबी की असमतों को देखेगा नहीं मानेगा, यहाँ नहीं मानता वहां मानेगा, वहां मानेगा। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये कयामत पूछा करता हूँ कि कयामत की जरूरत क्या है, जरूरत क्या है कयामत की, जरूरत आप कहते हैं हिसाब किताब के लिए, पूछो हिसाब किताब की जरूरत क्या है, वो खुदा अलीम और कबीर आलम और शहादा क्या चीज छुपी हुई है जिसकी तहकीक चाहिए, अरे वो जिसे चाहे अपने फजल से जन्नत पे पहुंचा दे, जिसे चाहे अपने आदमी से जहन्नम में डाल दे, है कोई दम मारने वाला, क्या ये आपको अंदेशा है कि अगर बगैर हिसाब किताब जहन्नम में डाल दिया गया तो ये वहां जाकर स्ट्राइक करेंगे, इंतजार करेंगे, काली झंडी निकालेंगे, काले बिल्ले लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, हिसाब नहीं दिया जहन्नम में डाल दिया, इनकलाब जिंदाबाद, हिसाब नहीं दिया जहन्नम में डाल दिया, है दम मारने की गुंजाइश, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अगर इस सवाल का जवाब आप चाहोगे तो आप यकीन आप समझेंगे कि रहमत खुदा अपने हबीब की तरफ मुतवज्जे है, ऐ महबूब अगर कयामत का मंजर पेश न किया गया, अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस, ये आखिरी कॉन्फ्रेंस जिसमें कौफरीन भी हों, मोमिनीन भी हों, अव्वलीन भी हों, आखरीन भी हों, मुशरिकीन भी हों, मुवहिदीन भी हों, मुखलिसीन भी हों, मुनाफिकीन भी हों, सब इकट्ठा हो जाए, एक कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, जरूरत है। और अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस हमने कायम न की तो ये तो हो जाएगा कि जन्नती जन्नत में पहुंच जाए, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाए, मगर तेरे लिवाए हिंद के नीचे अंबिया के गुरु को कौन देखेगा, कौन देखेगा, तो मचाता हुआ कौन देखेगा, मीजान को सहारा देता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें जहन्नमियों से अपने चाहने वालों को निकालता हुआ कौन देखेगा। तो हमने हिसाब किताब के लिए इस कॉन्फ्रेंस को मुनाकिद नहीं किया है, बल्कि तेरे मुकाम महबूबियत को दिखाने के लिए, तेरे मुकाम महबूबियत को दिखाने के लिए, ताकि जहन्नमी जहन्नम में जाने से पहले समझ ले मैंने किससे दुश्मनी की, और जन्नती जन्नत में जाने से पहले समझ ले कि हमने किससे दोस्ती की। देख देख के वहाँ तो सभी मानेंगे, मगर मानना हुआ है जो बगैर देखे। दोस्तों आप ये समझते हैं कि खुदा की नेमतों को हम जब शुमार करने आसिर तो फिर हम क्या शुक्र अदा करें, कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं। अभी देखो रब तबारक व तआला के एहसान को आप देखो और गौर करते थे और निजाम की तरफ भी देखते थे कि रब करीम कैसा एहसान कर रहा है हमारी जिंदगी से। बात चीजें ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा करीब, ज्यादा जरूरी, तो जो चीजें जरूरी होती हैं खुदा वो हमारी जिंदगी करीब कर देते हैं, क्या मतलब उसको हासिल करना आसान, और जो निस्बतन जरूरी नहीं होती वो कुछ उसको हासिल करना मुश्किल। ये खुदा की रहमत। मिसाल के तौर पर कपड़ा आपकी जरूरत है कि नहीं, मगर वीजा की जरूरत उससे ज्यादा। अगर कपड़ा ना मिले जब भी आप जिंदा रह सकते, वीजा ना मिले तो जिंदगी मुश्किल, लिहाजा कपड़ा हासिल करने में कुछ दुश्वारी होती। जमीन तैयार कीजिए, कपास बोइए, जब कपास तैयार हो जाए उसको ले जाइए कारखाने में, डोरे बनवाइए, फिर कारखाने में ले जाइए कपड़े बनवाइए, फिर उसको लाइए, फिर दर्जी के हवाले कीजिए, तराश फराश से की मंजिलों से गुजारिए, फिर आपका लिबास तैयार हो। और रल्ले भी ये सब नहीं करना, होशे तोड़ के लाए, पीस लिया, रोटी पकाई खा, इतनी आसानी हो गई। मगर ऐसा से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी की सदा से क्यों भूखे आप दो चार रोज रह सकते, पानी से 24 घंटा गुजारना मुश्किल, देखा पानी बहुत सारा जरूरी।
तो जब सादा जरूरी तो खुदा ने पानी के लिए क्या इंतजाम फरमाया, जमीन को तो निकाला, इसके लिए बीज नहीं डालना, पौधे का इंतजाम नहीं करना, दरख्त के उभरने का सवाल नहीं करना, गाड़ और निकालना आसान कर दिया। मगर पानी से ज्यादा जरूरी हवा, हवा इतना जरूरी, सेकंडों में मामला इधर का उधर, तो कुदरत ने क्या इंतजाम किया, नाक के करीब कर दिया। अब जमीन खोदना दीजिए, बीज लगाना नहीं, हवा के लिए नाक के करीब, तो जो जितनी ज्यादा जरूरी उसको उतनी करीब, ये कुदरत ने का इंतजाम किया। मगर एक बात है, सांस तो आप ही को लेंगे, हवा नाक के करीब हो, सांस ना लो मर जाओ तो हवा का क्या कुछ हो, इतना तो आपको कुछ कर लेंगे, कुछ तो कसब अमल की जरूरत है, ऐसी जरूरत नहीं। ऐसे भी कहा करता हूं, कोई दरिया के किनारे हो प्यासा मर जाए तो दरिया क्या कुछ हो, दस्तरखान पे बैठ के भूखा मर जाए तो रोटियों में क्या करता है, हाथ में दवा लेके बेइलाज मर जाए तो दवाओं का क्या कुछ हो। तो ऐसे ख्वाजा के हिंदुस्तान और दादा के पाकिस्तान में कोई गुमराह मर जाए तो दादा ख्वाजा का क्या होता है। तो सांस तो आपको लेना, मगर एक बात सुनो, ये तो जिस्म की जिंदगी की बात है, मगर खुदा सिर्फ जिस्म का खालिक नहीं है, वो रूह का भी खालिक है, वो सिर्फ जिस्म का नासिक नहीं है, वो रूह का भी नासिक है, वो सिर्फ जिस्म का रब नहीं है, वो रूह का भी रब, वो सिर्फ जिस्म का मालिक नहीं है, रूह का भी मालिक है। तो मगर ये है कि जिस्म की गिज़ा और होती है, रूह की गिज़ा और होती है, जिस्म की जिंदगी और है, रूह की जिंदगी और है, मगर खुदा दोनों का खालिक और आज़ीम, जिस्म की जिंदगी के लिए जरूरी था हवा तो उसको जिस्म के करीब कर दिया, और रूह की जिंदगी के लिए जरूरत थी मुस्तफा की, उन्हें जान के करीब अभी हमारी तमीजी खत्म नहीं हो रही है, और वक्त जो है मेरे ख्याल में मगरिब में 5 मिनट है, वक्त की तंगी कल है, चंद मिनट और भी कुछ अर्ज कर देना, पूरी बात नामुकम्मल। अच्छा जनाब, एक बात और मैं इसी सिलसिले की क्या बात करता हूँ, देखो रब तबारक व तआला ने जो हमारी चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उसको हमारे लिए सहल उसूल बनाया कि आसानी से मिल जाए, सस्ते भी मिल जाए, महंगी ना हो, ज्यादा सस्ते में मिल जाए, महंगी ना हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, नमक की जरूरत ज्यादा और शकर की कम, अब तो लोग यू भी शकर छोड़ रहे फैक्ट्रियां लगा रखी है, समझा, तो नमक ज्यादा और सस्ता, शकर कम और महंगी, निस्बतन देखिए, और पत्थर की जरूरत ज्यादा, सोने चांदी की कम, तो पत्थर हर तरफ पहाड़ी पहाड़ आसानी से मिल भी जाते, और सोना चांदी मुश्किल, इसलिए कि इसकी जरूरत है। गल्ले की जरूरत कम, पानी की ज्यादा, तो गल्ला कम, पानी पूरी दुनिया को घेरे हुई है, पानी की जरूरत कम, हवा की ज्यादा। इस नुक्ते नजर से देखो तो खुदा की कर्म कि जो चीज ज्यादा जरूरी वो आसानी से मिल, और ज्यादा ये सब नेमत। मगर एक बात मैं बताऊं, एक चीज और है उससे भी ज्यादा जरूरी, पानी जरूरी है ना, है जरूरी कि नहीं,
मगर पानी से ज्यादा जरूरी यह है कि पानी आपके करीब हो, आप पानी के करीब। करीब नेमत है मगर है जरूर, क्या कर ले गया। तो सबसे बड़ी नेमत क्या है? नेमत से कुर्बत। बस इसी नुकते को आप समझ लें तो बात बहुत आगे बढ़ गई। सबसे बड़ी नेमत दरिया नहीं है, दरिया तो है ही नहीं, दरिया के करीब हम, दरिया हमारे करीब, हम दस्तरखान के करीब, दस्तरखान हमारे करीब। तो नेमत से कुर्बत ये असल नेमत है। असल नेमत ये है नेमत से कुर्बत। नेमत से अगर दूर रहे तो क्या फायदा। और नेमत से कुर्बत का नाम है रहमत। नेमत से कुर्बत का नाम क्या है? रहमत। और सबसे ज्यादा जरूरत है रहमत की। जिसके करीब रहमत जान जहाना का।
अपने दर्द की भी
कमाल ही काशा पर
तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए जमीन ज़मा, तुम्हारे लिए मदीना मकान, तुम्हारे लिए न रूह अमी न अरशे बनी न लौहे मुबी कोई भी कहीं, न रूह अमी न अरशे बनी न लौहे मुबी कोई भी कहीं, खबर ही नहीं जो रमजे खुली अर्जल की ने हाँ, तुम्हारे लिए खबर ही नहीं जो रमजे खुली अर्जल की ने हाँ, तुम्हारे लिए इशारे से चाँ जी चीरे दिया, छुपे हुए खुल को फेर लिया, इशारे से चाँ जी चीरे दिया, छुपे हुए खुल को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमा, तुम्हारे लिए गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमा, तुम्हारे लिए सबाओ चले के पानी फले वो फूली खिले के दिनों भले, सबाओ चले के बाग फले वो फूली खिले के दिनों फले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, तुम्हारे लिए लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, तुम्हारे लिए ऊंचा जहां में नाम है पीरान पीर का, पढ़िए ऊंचा जहां में नाम है पीरान पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीरान पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीरान पीर का, अफजल है जैसे नबियों में प्यारे मुस्तफा, अफजल है जैसे नबियों में प्यारे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीरान का, वलियों में वो मकाम है पीरान पीर का, पढ़िए ऊंचा जहां में नाम है पीरान पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीरान पीर का, उसकी गुलाम बन गई हर शह जहान की, उसकी गुलाम बन गई हर शह जहान की, जो भी हुआ गुलाम है पीरान पीर का,
चल दिए ये कह के कब्र से सोने दो ये Oh,